सबसे पहले मैंने जो काम किया वो मांगना किया ठीक मांगना हाँ। तो आर्ट है ना आर्ट की इज्जत होनी चाहिए लोग उसको बिक का नाम दे देते थे तो मैंने सोचा कि गोल्ड मैन ऐसे ऐसा काम है कि लोग खुद आए और खुद डाल के जाए ऐसे बारह बारह पंद्रह पंद्रह दिन बिस्किट में गुजारे मेरे को एक टाइम अभी खिला किया कि भूखा रहेगा तो मैं सह सकता हूँ तो कभी सोच दो की शादी वादी करेंगे नहीं शादी नहीं वो कहते है न जब सच्चा वो कदर नहीं करते कितनी बहुत झगड़ा होता था हम दोनों के बीच में। मेरा परिवार बिखर गया आईने के जैसे माँ किधर दर है, है। कि भाप की धरन की दर भाई किधर तो ऐसा था कि लाइफ में ना कभी किसी को बुरा मत करो नमस्कार बातचीत में आपका स्वागत है आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको आप हर रोज कहीं सड़क कहीं गली कहीं मोहल्ले कभी समुंदर के किनारे आप देखते होंगे और देखते होंगे आप वीडियो बनाते होंगे और सेल्फी लेते होंगे ऐसे कई न जाने गोल्ड मैन मुंबई के सड़कों पर दिल्ली के सड़कों पर और तमाम महानगरों में आपको देखने को मिलते हैं आज हम एक ऐसे ही गोल्ड मैन की कहानी लेकर आए हैं और हम जानेंगे इस कहानी में कि गोल्ड मैन बनने का पीछे क्या कारण रहा आखिर लोग ये प्रोफेशन क्यों चुन रहे हैं आज की तारीख में अगर हम बात करें तो मुंबई में लगभग 120 सौ बीस हैं दिल्ली में भी ये नंबर बढ़ रहा है तो क्या एक आर्ट है ये जो लोग एडॉप्ट कर रहे हैं अपना रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे तो आज हमारे साथ मुंबई से चलकर दिल्ली आए हैं गोल्डमैन राहुल नट राहुल मुंबई में रहते हैं और मुंबई में ही गोल्डमैन के गटअप में रहकर वो मुंबई के सड़कों पर अपना परफॉर्म करते हैं और उससे जो आये होता है अपने पर्सनल ग्रोथ में लगाते हैं राहुल जी बातचीत में आपका स्वागत है थैंक यू तो राहुल सबसे पहला सवाल आपसे कि आपको ये कैसे पता चला की गोल्डमैन का कोई कैरेक्टर है ऐसा कुछ करना किया जा सकता अलग एक्चुअली इसका मतलब मेरे को कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि मैं पहले एक स्ट्रीट आर्टिस्ट डांसर था मैं क्योंकि जब मैं स्ट्रीट परफॉर्म करता था डांस का तो मेरे को पता था कि स्ट्रीट परफॉर्म में कितने आर्ट आते हैं स्ट्रीट में कई तरह के आर्ट होते हैं सिंगिंग होता होता है है डांसिंग कई तरह के होते हैं तो उस टाइम पे जब मैं करता था तो गोल्डमैन का ऐसा कुछ ट्रेंडिंग था नहीं वो जानता भी नहीं था कि गोल्डमैन भी कुछ आर्ट तो बहुत साल पहले एक बंदे ने स्टार्ट किया था तो उसको मतलब लोगों ने कॉपी कर करके करके कर 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 कर, मतलब बहुत सारे हो गए मुंबई शहर में दिल्ली में हर जगह मिलेंगे पूरे ऑल ऑफ इंडिया में मिलेंगे आपको तो मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि मेरे को गोल्डन मैन बनना है करके तो मैं डांस करके मतलब लोगों को एंटरटेन करके कमाता था मैं तो उसमें अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती थी फर्क इतना था कि डांस में एनी टाइम कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगता ही था म्यूजिक ये वो ऊपर से शरीर थकता भी था डांस कर करके चार घंटे पांच घंटे पब्लिक को किसी को पसंद आए तो देता है किसी को पसंद आए तो नहीं देता है तो मैंने ऐसा मतलब सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें कुछ भी ना लगे ना इंस्ट्रूमेंट ना कुछ ना हिलना पड़े ज्यादा कुछ और लोग अपने को बिना मांगे बिना कुछ एक्सक्यूज किए लोग अपने पास आके अपने मतलब दे वो अपनी तरफ से जो भी देना रहेगा तो मैं ऐसा खोजा तो जब मैं बैंड्रा स्टेशन गया था बैंड्रा जहाँ सलमान खान का घर है वहां पे बहुत सारे स्टेचू का काम करते हैं तो मैं उधर मैंने एक फ्रेंड बनाया था गोल्डन मैन का मैं वो, वो गोल्ड का परफॉर्म करता था उधर स्ट्रीट डांस का परफॉर्म करता था तो मैं देखता था कि बिन फालतू के लोग इसके सामने खड़े हैं क्योंकि तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना मैं डांस कर रहा हूँ लोगों के सामने उछल रहा हूँ गा रहा हूँ ऐसा करके और मैं देख रहा था वो सिर्फ खड़ा है वो गंदा और पब्लिक लड़कियां बच्चे सब बूढ़े उसके पास जाके फोटो ले रहे और मेरे पास बहुत कम ही लोग आते थे जो एक दो देने चुने आते थे फोटो खींचने के लिए बाकी सब उसके पास जाते थे तो मैं सोचता था इस आर्ट में ऐसा क्या है कि लोग इसके पीछे मतलब अट्रैक्ट होते हैं तो मैं भी बोला इसको करके देखते हैं मैंने बिना कपड़ों के ऐसा बिना लिवाज के करने की कोशिश की तो मेरा मतलब पूरा बॉडी वाइब्रेट होने लग गया और मतलब पसीना आने लग गए पूरा बॉडी मतलब एक मिनट में छोड़ दे ठीक है तो मैंने पैसे नहीं थे मेरे पास तो कुछ दोस्त थे मेरे जिससे मतलब डांस के थ्रू मतलब दोस्ती हुई थी तो उनसे मदद मांगी तो लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट करके दिया मेरे को हजार पंद्रह सो रूपए तो इसका जो गोल्ड बहन का जो कलर आता है काफी एक्सपेंसिव आता है हजार पंद्रह सौ का आता है वो तो कपड़े तो मेरे को थे ही मेरे पास ऑलरेडी तो मैंने डायरेक्ट लगा के तो मैं उस जगह पे नहीं किया जहाँ बहन परफॉर्म करता अपना रोल है जहाँ जिस जगह में अपने को जगह मिली है वहां पे उसकी उसका ही काम करके उसको ही मतलब बिल्कुल तो अपना वो वजून नहीं है तो मैं बोला काम वही करेंगे कोई अलग लोकेशन ताकि उसको भी तकलीफ ना हो और मुझे भी तकलीफ ना हो तो मैंने दादा स्टेशन मतलब लोकेशन ढूंढा अच्छी अच्छी आते सारे, रहते करेगा तो तेरा कलेक्शन भी अच्छा होगा तेरा नाम भी आएगा इसमें नहीं। नहीं। तो मैंने उसको मतलब कई महीनों से इग्नोर करने लगा नहीं बोला बांद्रा बेस्ट तो एक दिन जाके मैं दादा पे परफॉर्म कर लिया मैंने वो कपड़े बनाए अच्छे से टोपी ओपी जूते सब बना के, तो के खड़ा हो गया मतलब अब बोला कुछ होगा तो होगा देखा जाएगा दो घंटे रुक 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 के खड़ा के खड़ा खड़ा ऐसा करते गया पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था धीरे धीरे सब मेरे पास जमा हो रहे भीड़ हो गई थी उधर क्या हो रहा है करके तो भीड़ हो रही है पब्लिक डाल रही है पैसा कोई दस डाल रहा है कोई सौ डाल रहा कोई बीस डाल रहा है जैसा जैसा मतलब इनकम बढ़ रहा है ना तो मेरी खुशी और बढ़ती जा रही है बोला तो दो घंटे में ऐसा करीबन सेवन हंड्रेड फिफ्टी ऐसा कुछ हुआ था तो मैं थोड़ा हैरान हो गया हम लोग चार चार पाँच पाँच घंटे डांस करते थे बोले उसमें से भी चार पाँच सौ मिलता था मुश्किल से इसमें मुझे सिर्फ दो घंटा काम करने में ही लोगों का और पैसे ही नहीं लोगों का जो इज्जत भी मिल रहा था और लोग अच्छा कमेंट भी कर रहे थे क्योंकि ये काम आसान नहीं करके या तुम कर रहे हो धूप पानी में करके

तो जहां आप करते हो आ, क्या पुलिस के द्वारा हटाया गया कभी पुलिस के मतलब उधर जब शुरू शुरू पे गया था तो बहुत सारी पुलिस ने मेरे को वार्न किया कि ऐसा मत करो करके तो जब जैसे जैसे लोग के जो पॉलिटिशियन लोग थे वो लोगों ने थोड़ा सपोर्ट दिखाया वहाँ के पुलिस जो बड़े बड़े थे जो टॉप लेवल के पुलिस थे वो लोगों ने देखा कि क्योंकि जो टॉप लेवल के पुलिस वाले लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते किसी को परेशान करने क्योंकि वो लोग बड़ा बड़ा देखते काम

मेरे पास करीबन फाइव हंड्रेड रुपीज थे तो पे मेरा वीडियो भी आया। आप देखना था देख सकते हो तो मैं था तो मैं बोला अंदर जाके परफॉर्म करूंगा जहाँ टिकट काउंटर है वहां पे करूंगा तो ज्यादा है और पैसे भी मिलेंगे अंदर मेरे को नहीं करने मतलब क्योंकि अंदर मेन गेट है तो मैं गेट के जस्ट दस कदम आगे जाके परफॉर्म किया आपको बता दो आधे घंटे में उधर है ना जाम हो गया पूरा वजह से के जितने फुग्गे वाले गुलपे वाले चाय वाले सब मेरे को हटाने के पीछे पड़े थे इधर okay. क्यों, क्यों खड़ा कर तो है करके तो मैंने ठीक है उधर से हट के फिर दस कदम आगे जाके मैं मैं जो रास्ता रहता है तो उसके जस्ट बाजू में खड़ा हो गया अच्छा। अभी उधर खड़ा हो गया तो पब्लिक एरिया उधर कोई भी खड़ा हो सकता है तो मैं खड़ा होगा लड़किया लड़का सब आगे फोटो खिंचा रहे पैसे जा रहे इधर से एक यूट्यूबर आया वो भी वीडियो निकाल के चले गया तो वहाँ का जो पुलिस वाला था हाँ। बोलते तुम इधर नहीं कर सकते ऐसा वैसा एक क्या बना के रखा है एक जैसा मांग रहे है ऐसा वैसा मतलब ठीक है मतलब आपको भी लग रहा है आप मेरे साथ दस मिनट खड़े रहो अगर जम जाए तो मेरे जितने मैंने कमाई किया मैं आपको दे दूंगा

तो मैंने भी करने की कोशिश की जहाँ करता हूँ वहां से पुलिस वाले मेरे को भगा दिए ऐसे करते 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 परेशान हुआ तो मैं एक जगह गया पे परफॉर्म किया चार पाँच हुए और फटाक से मुंबई की टिकट काट के फिर मुंबई चले क्योंकि परेशान हो गया था मैं कि यहाँ पे पुलिस वाले दस मिनट के लिए भी नहीं खड़े नहीं होने दे रहे मेरे को तो राहुल कभी ऐसा हुआ कि किसी दिन आपको कुछ कमाई ना हुआ गोल्डमैन में हाँ जब से आप ये कर रहे हो किसी दिन हुआ कि कुछ मिलेगा ऐसा ऐसा मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि गोल्डमैन में ऐसे ऐसा काम है अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी कमाई नहीं है हां एक काम ऐसा है कि अभी मैं मैं हाईवे के किनारे में खड़े हो जाएगा तो कोई ना कोई सौ रुपए डाल की जाएगा समझ रहे हो इस काम का इतना मतलब क्रेज है ना कि लोग दूर से देख के ना इसके पीछे अट्रैक्ट क्या है हम्म

तो उस टाइम से मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा अभी उनकी फोटो है मेरे पास और मम्मी ने मतलब जब दो तीन साल के हुए तो दूसरा शादी किया क्योंकि वो वो टाइम पे यंग थे तो उनको कैसा चाहिए था की बच्चे को भी संभाल सके करके उन्होंने किया था तो हमारे जात वाले ने मेरी माम से अलग कर दिया था कि नहीं ये हमारे वंश का बच्चे लोग हैं हम आपको नहीं दे सकते करके हम लोग को छीन लिया तो मेरे को कैसा एक अलग का लग गया था मेरे को भागने का hmm. मतलब घर पे मैं एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं सकता था कोई था ना मैं जहाँ सुनाई देता वहां से मैं हट जाता हूँ hmm. तो उस चीज को मैं बहुत फॉलो करने लगा जहां मेरे को बुरा बोल देते थे ना कोई भी तो वहां से मैं सराउंडिंग कर लेता था भाग जाता था वहां से तो जब मैं सड़क पे था मैंने मतलब बारह साल मैंने स्ट्रीट पे काटा मुंबई शहर में सड़क पर हाँ। सड़क पर सोए हाँ और तीन साल... साल तक मुंबई में तुम रोड पर सोए हाँ। तो बाद ऐसे कुछ जब मैं आया था मुंबई शहर में जब भाग के तो मैं पहले सबसे पहले मैंने जो काम किया वो मांगना किया भेग मांगना हाँ।, हाँ क्योंकि वो टाइम पे हम लोग का काम ही था हम लोग का जात में ही भेग मांगते थे हम लोग सर्कस करते लोगों को एंटरटेन करते मांगते थे हाँ। वो भी एक आर्टी है के हम उसमें हाथ लोगों के सामने जाना पड़ता हाँ। है जब मैं, थोड़ा -थोड़ा हाँ। मैं बारह तेरह साल का हुआ बारह तेरह साल का हुआ तो लोगों के पास जाता था तो लोग ताने मार देते अरे इतना बड़ा हुआ कहीं काम कर लो काम करने भी जाता था बुरा लगता था हाँ तो काम करने भी जाता था तो लोग बोलते उम्र कम है

तो मैंने मैंने डांस करके करीबन थे। खिलाते थे पिलाते थे कभी खाना पीना कम पड़ के तो वो लोग लाके देते थे मेरे को हर शौक पूरा किया डांस के थ्रू मतलब जो जो तो आ, मतलब आपने डांस किया फिर उसके बाद आपने बैंड का में आ आठवीं अभी यही कर रहे हो आप तो घर से अभी भागे हो या अभी माँ घर के साथ रहे तो परिवार वालों के साथ अभी तो घर के साथ में रहता एक्चुअली मैं रहता अकेला ही हूँ मम्मी है तो मम्मी है मतलब फिर भी कैसा है कि हम दोनों का जो बॉन्डिंग है हम दोनों की जो सोच हो कभी मतलब मैच नहीं होती है हम दोनों की क्यों क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उसको पसंद नहीं है और मैं वो जो काम करते हो मुझे पसंद है मुझे पसंद है मतलब उनका एक जो तरीका है वो सही नहीं लगता कि कहीं ना कहीं क्योंकि तो वो भी एक आर्ट है रस्सी पे चलना हर बच्चे का काम नहीं होता राइट कब पैर टूट जाए टूटाए हाफ टूट जाए किसी को पता नहीं है हम सड़क में भी सीधा नहीं चल सकते गड्ढे आते तो गिर जाते वो तो रस्सी पे चल रहे हैं दस पंद्रह फुट ऊपर तो आर्ट है ना आर्ट की इज्जत होनी चाहिए अब आर्ट भी दिखा रहे हो लोगों के सामने हाथ भी फैला रहे हो तो वो आर्ट नहीं होता है लोग उसको भीख का नाम दे देते राइट तो वही बात होती है तो मैंने सोचा गोल्ड मैन ऐसे ऐसा काम है कि लोग खुद आए और खुद डाल के जाए मुझे जाने तो, तो, हाँ, तो, तो लगती थी सिर्फ टाइम कर रहे हाँ। थे उसको क्या लगता था कि मैं सिर्फ इधर उधर घूम के अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बस उनको नहीं पता जो साथ में रहने के लिए बुलाती नहीं है नहीं अभी नहीं

जब हम लोग को भूख लगते थे तो ऐसे मुंबई शहर में कई सारे फ्री में बांटने वाले, खाने बांटने वाले, वाले होटल तो हम लोग जाते थे तो कभी नहीं पहुंच पाते थे तो कोई बिस्कुट इसके लाके देता था, था ना तो बारह तेरा दिन बिस्कुट पर काटे हो नुँ। नुँ। तो कैसे अभी उस टाइम पे जो हम लोग को आदत था तो हम लोग सह लेते थे हम लोग कैसा घर पे रहने की आदत नहीं थी ना घर पे क्या टाइम टू टाइम खाना रहता था कर रहता था तो टाइम पे हम लोग को उस चीज का वैल्यू नहीं था समझ रहे अभी हम लोग को भी अगर मेरे को एक टाइम अभी खिला के अगर कि दो दिन भी भूखा रहेगा तो मैं सह सकता हूँ क्योंकि उस चीज का आदत है मेरे को हाँ। और ऐसा नहीं की मैं खाने की कदर नहीं मैं बहुत करता हूँ खाने इसको कम खा के कदर करता ताकि वो वेस्ट ना हो समझ किसी और इंसान के काम आ सके अभी ये सोच रहे सामने वाला खा ही नहीं रहा है तो दूसरों को लगता है ना ये कदर नहीं कर रहा इसका मतलब वो नहीं कदर नहीं कर रहा क्योंकि वो नहीं करना चाहता है तो इसके लिए कम खाता हूँ अच्छा खाता हूँ तो, रोना कि यार मतलब रोई हो कभी? रो रोना तो हम लड़कों के लाइफ में है ही नहीं रोया हूँ मतलब मैंने कब रोया था जब मेरे पापा की जब मेरे को याद आती थी ना उसी टाइम रोजा था क्योंकि पापा एक लगते ऐसे इंसान थे सबसे ज्यादा प्यार करते थे मेरे से हाँ, हाँ मतलब पूरे परिवार में सबसे ज्यादा मानते थे वही मेरे को तो जो तुम तीन महीने थे ना तुमने बताया कि तीन महीने थे, तभी पापा गुजर हाँ, तो तीन महीने में कैसे पता चला कि पापा बताया ने बताया हाँ, तो 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 बारे के बारे के था मेरे को मम्मी ने बताया था मम्मी के सामने ही ऑफ हुए बताया था मम्मा ने कि तुमसे ज्यादा प्यार करते बहुत ज्यादा प्यार करते थे और चीज शेयर करते मेरे से आज भी मैं उनसे बात करने जाता हूँ ऐसा नहीं इग्नोर करती बस हम दोनों का जैसा घर पे जो रिश्ता रहता थे वैसा नहीं बाकी बातचीत करती है कभी ना कभी खाना ना खाया करके। तो कभी सोचते कि शादी वादी करेंगे ना? नहीं, अभी पार्टनर की क्या जरूरत है पार्टनर की जब जरूरत थी टाइम पे कोई नहीं आया मेरे सामने मैंने मतलब जिस लड़की को भी मैंने मतलब सोचा कि इसको बनाऊंगा अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर तो जिंदगी भर इसको मतलब अच्छे से रखूंगा मतलब कोई मतलब कोई था आपके हाँ मतलब लाइफ में ऐसा कोई था कि जिसको सोचा था कि रखू हाँ, अपने जितनी औकात है इसको हाँ, कभी रोने नहीं दूंगा बोला हाँ, तो ना जब सच्चा पिता किसी मिलते वो कदर नहीं करते हाँ, तो उनको कदर नहीं थी तो मैंने भी छोड़ दिया मतलब जो लड़की छोड़कर चले गए हाँ एक नहीं कम से कम ट्वेंटी वन यहाँ पे दो तीन दिल्ली की भी शामिल है कितनी लड़कियां छोड़ के गई ट्वेंटी वन इक्कीस लड़कियों से प्यार हुआ है लड़कियों से प्यार हुआ है हाँ तो एक लोग कहते हैं कि प्यार तो सिर्फ एक बार होता है इक्कीस से हुआ इक्कीस से, से प्यार वो आज तक किसी भी लड़की को शारीरिक टच नहीं किया है तो मतलब इक्कीस लड़का छोड़कर क्यों चले गए मतलब जैसा हम फर्स्ट जैसा किस को प्रपोज करने जाते है की पसंद है ऐसा वैसा वो टाइम पे रिजेक्ट होता है ना वैसा मतलब इक्कीस बार हुआ है तो तो 21 बार तुम्हें मिला हाँ, उसमें से पास एक ही हुआ था। नहीं, दो हुआ था 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 दो दो हाँ, तो, दो के साथ मेरा का तो लोगों ने लगा कि मुंबई मुंबई शहर में एक साथ दो लोगों के साथ तुम नहीं ते... नहीं अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम पे तो एक के साथ सिक्स मंथ था तो लोगों को लगा कि बंदा सड़क पे रहता है मतलब क्या कमाता होगा क्या खाता होगा छोड़ के चले गए छोड़ के चले गए दूसरा था लोगों ने भी सेम सोचा की वो लड़की मेरे साथ सड़क पे पंद्रह दिन तक रहे थे वो अच्छा सड़क पे साथ ही मेरे साथ भी मेरे भी मेरे वो क्यों चली गई क्योंकि हम दोनों में मतलब बहुत झगड़ा होता था हम दोनों के बीच में अच्छा छोटी छोटी बातों में ऐसा वैसा करके तो उसको लगा कि वो चाहती थी कि मैं उसके साथ में रो करके धीरे धीरे हम लोग का जो झगड़ा बढ़ते गया मारपीट होते गई दूसरे के प्रति मारपीट भी हो जाती थी हाँ दोनों का वो मतलब मेरे को हाथ नहीं उठाते मैं ही हाथ उठाता था उसको लगा कि अभी ज्यादा हो रहा है कि वो बहुत मार रहा है तो वो चली गई मतलब डर था उसको बस अच्छा एक मैं जाना चाहता हूँ जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ना कि प्यार सिर्फ एक बार होता है मुझे ये जानना है कि 21 बार कैसे प्यार हुआ प्यार एट्रैक्शन है यानी प्यार, प्यार नहीं था अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन था हाँ और तो प्यार, प्यार तो किसी से नहीं था प्यार प्यार सब वही लड़की से जिसको मैं मारता था ना हाँ। उसी लड़की आज भी है आज भी वो आगे आएगी ना सिर्फ उसके सिवा अगर वो आएगी वो कहेगी मैं शादी करने के लिए तैयार तो हूँ आज भी रखूंगा उसके अलावा मेरे लाइफ में अभी कोई लड़की आना नहीं है ऐसा है ठीक है नहीं तो नहीं अब सीधे आते हैं किस कैसे बनाई है

तो ये इसमें एक लेयर नहीं कम से कम पचास से ऊपर लेयर है इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि सिंपल है हाँ। इसमें करीबन बार कलर लगाया हुआ है ओके तो ये जब कलर लगता है ना तो इसको सूखने में करीबन अराउंड डे लगता ही लगता है क्योंकि इसका है। जो चिपचिपापन है ना हाँ। जल्दी सूखता नहीं है हाँ। और ये एक बार सूख गया तो आप लगेगा गोल्ड मैन गोल्ड मैन क्योंकि ये पूरा है ना लोखंड जैसा हो जाता है ये पूरा टाइट हो जाता है चेहरे पर ये क्या ये अपना मेकअप रहता है गोल्डन हाइलाइटर करके वो कोई भी यूज कर सकता है लेडीज जेंट्स और ये झंडे वाला जो फ्लैग है इंडिया का फ्लैग है इसमें। ये सिर्फ मैं उसी दिन बनाता हूँ जिस दिन इंडिया का कुछ रहता है जैसा 26 जनवरी रहता है 15 अगस्त रहता है उसी दिन अपने कपड़े में इसको नेशनल फेस्टिवल जब होता है जब उसी दिन इसको इंस्टॉल करता है पंद्रह अगस्त है इसीलिए आपने हाँ मैंने पहना करके ओके अब मतलब आप मेरे वीडियो में भी देखे तो मैंने पूरा एक बार hmm. तिरंगा ही बना था मैं एक टाइम पे okay. तो बहुत लोगों ने अच्छा बोला इंडिया बहुत बुराई करती है पाकिस्तान वहां के भी बंदे मेरे को काफी प्यार दिखाए है मतलब भाई आप बहुत अच्छा कर रहे मतलब कुछ ना होके भी इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है समझ तो लोगों ने बोला ऐसा की ठीक है तो लोगों ने सपोर्ट दिखा तो मेरे जो फैंस लोग थे वो लोग बोले भाई क्या तुम इनको ऐसा सपोर्ट दिखा तो भाई मतलब वो रेंडम इंसान है सामने वालों को अपना काम पसंद राहुल आखिरी सवाल ये है आपके माने में जिंदगी का मतलब क्या होता है मेरे माइंड में यही है कि कभी किसी को बुरा मत करो समझ लो कि इंसान हमेशा स्वार्थी रहते हैं कोई भी काम करने हम किसी का भी काम करने जाते स्वार्थ के लिए करने जाते हैं राइट right. मैं चाहता हूँ कि मैं भी स्वार्थी ऐसा नहीं मैं भी कोई दूध का दूरा मैं भी, भी मेरा स्वार्थ कैसा है जरूरत के हिसाब से सा। जितना जरूरत है शरीर को उतना ही स्वार्थ रखो कुछ लोग हथ पार कर देते हैं कई परिवार में देखो रिश्ते टिकते ही नहीं है नहीं। बहुत लकी परिवार होता है जो टिक जाते हैं मेरा खुद का परिवार बिखर गया आईने के जैसा माँ की धर भाप है बहन किधर है भाई की आज मेरे भाई की छोटे वाले भाई की शादी भी होगी उसका एक लड़की भी है छोटे वाले समझ रहे तो ऐसा है कि लाइफ में ना कभी किसी को बुरा मत करो कभी भी जितना हो सके जितना भी कमा रहे हो सौ कमा रहे हो पचास किसी को मदद करो पचास अपने लिए रखो आज भी मैं अपनी बस्ती में जाता हूँ कुछ भी फेस्टिवल होता है बर्थडे होता है मैं अकेला किसी ना किसी को खिलाने की कोशिश करता हूँ कई सारे उधर छोटे छोटे बच्चे जिनको मैं कुछ ना कुछ खिलाते ही रहते तो हैं तो जैसा हेल्प करना मेरे को बहुत पसंद है बहुत बढ़िया तो आपसे राहुल बात करके बहुत अच्छा लगा आपने अपनी जर्नी बताई कि आपने गोल्डमैन कैसे आप बने और कैसे आपके पूरी जो लाइफ जर्नी रही कि आपके फादर तीन महीने के जब थे आप गुजर गए काफ़ी ये हार्ट टचिंग स्टोरी था और ऐसे ही आप आगे बढ़िए और इस आर्ट को आगे और बढ़ाते रहिए और मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि अगर कहीं भी कोई भी स्ट्रीट पर ऐसे परफॉर्म करता दिखता है तो उन्हें सपोर्ट जरूर करना चाहिए और उनके क्योंकि हमारे छोटे छोटे सपोर्ट से उनका घर चलता है उनका रोजी रोटी चलता है हम देख कर इग्नोर कर देते हैं आ, लगता है कि नहीं करना चाहिए क्योंकि हम हमारी छोटे से हेल्प से अगर किसी का घर किसी का अगर पेट भर जाता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थैंक यू राम